we were discussing about the dispersion phase, dispersion medium in the colloidal solution. So let's start again. The dispersion phase, dispersion medium, make a table that is given in your book. We discussed that is the dispersion phase, right? Dispersion medium. Right, Pate? Then, wait. Then we are having type and example. Example. Karan, mute yourself. Okay. Yes. We were discussing dispersion phase, dispersion medium, that is the common examples of the colloid. Hum ye discuss kar rahe the. Common examples. राइट जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एरोसोल का एग्जांपल राइट टाइप हमने डिस्कस की थी वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्पर्जन फेज ठीक है द सॉल्यूट डिस्पर्जन फेज इज द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो डिस्पर्जन है सॉल्यूशन में सॉरी डिस्पर्स फेज है दैट इज द सॉल्यूट एंड द मीडियम इन विच इट इज मिक्सिंग और डिसॉल्व और प्रेजेंट नंबर वन We discussed type, we discussed aerosol. Why aerosol? जो हवा में present है right? क्या fog, cloud, mist. ठीक है जी fog, cloud and mist. अब इसमें से कौन सा dispersion phase है and which one is the dispersion medium? Who will tell me? Fog में what is the dispersion phase and dispersion medium? Who will tell? Who will tell, beta? What happened? Yes, Bhavansh, Divya, what happened, beta? Dharya? What is the dispersion phase in this fog? Fog mein liquid is the dispersion phase. And medium kya hai hamare paas? Air. That means gas. Bache, is this clear? Are you able to hear me? Divya, switch on your videos, beta. Divya, then why you are not giving answer? Answer क्यों नहीं दे रहे आप? Aerosol one example fog cloud mist जिसके अंदर dispersion phase क्या है? Liquid water droplets are present in the fog. लेकिन medium क्या है? Large quantity that is the maximum quantity that is the air. ठीक है? Second aerosol का example हमने करा था जिसमें आपने लिया था another again same type aerosol. Right example is smoke automobile exhaust haan ji isme kya hai dispersion phase and medium divya isme dispersion phase aur medium kya hai unmute yourself मैम डिस्पर्शन फेस सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम गैस यस क्योंकि एरोसोल हवा में उड़ने वाला दैट इज गैस उसके अंदर स्मोक कागज को बर्न किया छोटे छोटे पीसेस हवा में जाएंगे दैट इज सॉलिड इज द डिस्पर्शन फेस राइट थर्ड लिखिए फोम थर्ड टाइप
फोम, राइट। फोर्थ भी हम फोम ही लेंगे, ठीक है। मैंने दो पहले सेम सेम करवाई है, फोम, ठीक है। इसमें एक में एग्जांपल मैं ले रही हूं शेविंग क्रीम, यस यस धैर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम डिस्पर्जन फेस होगा, गैस और शेविंग क्रीम होता क्या है, किसके अंदर मिक्स करा है, होता है वो झाग बनती है शेविंग क्रीम, डिस्पर्जन फेस उसके अंदर गैस हो गया और डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। देन फोर्थ, फोर्थ फिर मैंने एग्जांपल टाइप ली है फॉर्म, फॉर्म में अब मैं ले रही हूं जो रबर स्पॉन्ज वाली फॉर्म है, जो आपके गद्दों में कुशंस में प्रेजेंट है, या प्यूमी स्टोन है, या जो हम स्पॉन्ज लेते हैं उसको हम प्रेस करते हैं, दैट इज द स्पॉन्ज। यस प्रतीक्षा अनम्यूट करो खुद को। मैम आज आज के लिए आप किसी और को बोल दो अटेंडेंस करने के लिए, मेरा नेक्स्ट लो है तो मेरे से लीव नहीं जा रही, मैंने कितनी बार ट्राई किया। ओके दिव्या टेक इट बेटे, फॉर्म प्यूमी स्टोन और क्या लेंगे हम इसमें एग्जांपल, फॉर्म प्यूमी स्टोन स्पॉन्ज रबर, हाँ रबर स्पॉन्ज। अब इनके अंदर हमारे पास डिस्पर्जन फेस क्या है और मीडियम क्या है, मीडियम सॉलिड फेस गैस, यस मीडियम सॉलिड, क्योंकि हमें जो स्पॉन्ज या रबर है वो सॉलिड और उसके अंदर भरा क्या हुआ है गैस, डिस्पर्जन फेस। ओके ये चार क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं इमल्शन, अनदर टाइप दैट इज द इमल्शन। इमल्शन में हमारे पास जो एग्जांपल है फेस क्रीम, हमने पिछली में आपको बताई थी फेस क्रीम क्या होगा, अब इसमें फेस क्रीम में क्या होता है, इमल्शन कैसे बनता है, मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन यू विल सी द बॉलनी और द फेस क्रीम्स को देखते हो तो उसके अंदर से समटाइम द लिक्विड जो है वो आपको बाहर नजर आता है, पानी नजर आता है, तो व्हाट इज द डिस्पर्जन फेस इन द इमल्शन। इसके केस में दोनों ही हमारे पास लिक्विड है, राइट पते। देन हमारे पास है सिक्स्थ टाइप दैट इज द सोल, सोल इसमें हमारे पास एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, ये आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, और मड मिट्टी और पानी, तो उसके अंदर हमारे पास डिस्पर्जन फेस क्या हुआ, मड के अंदर क्या, मड के अंदर हुआ सॉलिड प्रेजेंट है पानी के अंदर लिक्विड के अंदर, तो डिस्पर्जन फेस हमारे पास हुआ सॉलिड दैट इज मड, किसके अंदर प्रेजेंट है लिक्विड दैट इज द डिस्पर्जन मीडियम। देन नेक्स्ट इज जेल, जेल से हम लोग जो जेली खाते हैं जेलीज होती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जेल के अंदर एग्जांपल हो गया हमारे पास जेली चीज बटर, ये सारे एग्जांपल आ गए हमारे पास जेली चीज बटर, इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है जेल के अंदर, खाते हम कौन सी हैं सॉलिड, यानी कि सॉलिड हमारे पास हो गया मीडियम और प्रेजेंट क्या होता है उसमें लिक्विड, बटर इज ऑल्सो बट उनमें भी लिक्विड है, ठीक है सेपरेट आउट करते हैं या हम उसको मिक्स करके कैसे बनाते हैं। देन द लास्ट वन इज सॉलिड सोल, सॉलिड सोल में ये आ जाते हैं जेम्स, जैसे ये मैंने जेम डाला है दैट इज द, ये सफायर है या डायमंड्स है या पुखराज या कोई भी, तो
तो स्टोन्स की बात अगर हम करें दैट इज द सॉलिड सोल, जिसके अंदर हमारे पास दोनों ही सॉलिड, जिसकी वजह से उनकी कलरिंग में फर्क होता है, दैट इज हैविंग द डिफरेंस इन देयर कलरिंग। ठीक है, तो वो हमारे पास एट क्या आ गया, सॉलिड इन सॉलिड। एंड एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, जेम स्टोन्स। Gemstone and colored glass, these are the example of solid in solid. Yeah, gemstone and milky glass karte. ठीक है, ये आपके पास टेबल है जो आपको लर्न करना है, और डिपेंडिंग अपॉन लाइक दिस इसमें से कुछ भी आ सकता है। एंड ऑल ऑफ यू नो पेपर इन द फॉर्म ऑफ द MCQs, सो बी केयरफुल, एग्जाम्स आपके MCQ में आएंगे, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, सो थिंक एंड लर्न प्रॉपरली, नो क्रैमिंग एट ऑल बिकॉज नो सब्जेक्टिव मैटर इज देयर। उसके बाद हम अगला टॉपिक अब करेंगे, दैट इज द, अब ये कोलाइडल्स हैं, हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर किए, हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स करे, अब उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम चीजें जो हैं दैट इज प्रेजेंट। अगर हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। होमोजीनियस में भी आपने बहुत सारे करे, ट्रू सॉल्यूशन करा आपने, जिसमें कि सॉलिड शुगर और पानी के अंदर मिक्स है, या सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स है, दिस इज प्रेजेंट। कैन वी या आर वी एबल टू सेपरेट दीज थिंग्स, हम पानी में से नमक सेपरेट कर सकते हैं, यस दिव्या, कैन वी डू, विच मैथड कैन वी अप्लाई, डू यू नो एनी मैथड बाय विच यू कैन सेपरेट आउट, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ मैम, इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन, ओके तितिक्षा, कैन वी डू इफ वी वॉन्ट टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द वॉटर, या अगर मतलब सोल्यूशन में से वी वॉन्ट टू सेपरेट, कैन वी हीट डायरेक्टली शुगर, हम शुगर या सॉल्ट को डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, यू कैन अनम्यूट बेटे, ऑल ऑफ यू कैन, मुझे क्वेश्चन नहीं पता लगा, पीछे रिपीट कर दो क्वेश्चन। टू टाइप ऑफ द मिक्सचर्स आर देयर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब वी वॉन्ट टू सेपरेट दीज मिक्सचर, बिकॉज मिक्सचर इज व्हाट दैट वी कैन सेपरेट बाय यूजिंग द केमिकल मेथड और बाय फिजिकल मींस, बाय हैंड पिकिंग वी कैन सेपरेट, बाय अप्लाइंग सम मेथड वी कैन अप्लाई, सो द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड। अब होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, हमने होमोजीनियस में पहले करा था ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर, दैट मींस कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट इन वॉटर, दैट वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन, वी कैन, हम जो सीज हैं उनके लेगून्स बनाते, छोटे छोटे बनाते हैं, पानी रखते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाते हैं, सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज द मेथड, दैट मींस वी कैन सेपरेट। अगर इफ आई एम सेइंग कि वी वांट टू सेपरेट द ब्लड, एज आई एम सेइंग ब्लड इज अ हेट्रोजीनियस बट अपीयर्स टू बी अ होमोजीनियस, वो होमोजीनियस अपीयर होती है, तो हाउ वी कैन सेपरेट द ब्लड कॉम्पोनेंट्स, उसमें से मैं कैसे, दोज हु बिलोंग टू द, या बाकी सबको भी पता होगा मैम, वी कैन बाय मैम, लाइक जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो वहां पे जो मशीन्स होती है वो चर्निंग करती हैं, जिससे जो ब्लड होता है वो घूमती हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम अपने घर में देखते हैं, इफ आई वांट टू सेपरेट बटर, ठीक है, वॉशिंग मशीन पानी को स्क्वीज कर देती है, जब हम उसको स्पिन करते हैं पानी को स्क्वीज कर देते हैं, हमारे पास ड्राई क्लोथ्स आते हैं, मतलब ऑल दीज प्रोसेसेस जो होमोजीनियस हैं और हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में इफ आई एम सेइंग सैंड इन वाटर, इट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन मेथड आल्सो, राइट। सो नंबर ऑफ द वेज आर देयर, एंड नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट वेज टू सेपरेट द मेथड। धार्या, आई टोल्ड वीडियोस ऑन करो। मैम मैंने पूछना था कि जो एग्जाम आप कह रहे हो बिल्कुल भी सब्जेक्टिव मैटर नहीं आएगा, नो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, वी विल टेल द पैटर्न बेटा, लेटर ऑन वी विल टेल मैम, सिर्फ 9th का ही मैम,
आई विल टेल बेटा वेट ठीक है. नाउ राइट डाउन सेपरेटिंग टेक्निक्स, सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. अब हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए. ठीक है, हमें पता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है दे कैन बी सेपरेटेड. ठीक है, सिंपल मतलब बाय फिजिकल मेथड वी कैन से हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन वी कैन डू, तो दीज कैन बी सेपरेटेड. बट देयर आर सम अदर वेज बाय विच वी कैन सेपरेट. सबसे पहले हम करेंगे यू कैन से इवेपोरेशन. जो सबसे पहली हमारी टेक्निक आई एम यूजिंग हियर दैट इज इवेपोरेशन. इस इवेपोरेशन में आपको डायरेक्टली इवेपोरेशन भी दे कैन आस्क सेपरेट या कलर्ड कॉम्पोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. कलर्ड कॉम्पोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. अब इसमें हमारे पास बच्चे इनके प्रिंसिपल्स, इनकी एप्लीकेशंस, दीज आर इम्पोर्टेंट. तो अब हमारे पास कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, जो आप पेन्स में ब्लू ब्लैक इंक यूज करते हो, यू कैन डू इट एट होम आल्सो. इट्स नॉट नीडेड कि आपको पूरा बर्नर एंड ऑल दैट रखना है. यू कैन यूज योर आई एम टेलिंग यू द डिफरेंट वे, ऑब्जर्व इट एंड बाय टुमारो यू विल टेल मी योर रिजल्ट्स बाय डूइंग दिस. ठीक है, इफ आई विल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो ऑल ऑफ यू विल डू इट एट होम, बाय टुमारो ऑल ऑफ यू विल शेयर योर रिजल्ट्स विद मी, योर ऑब्जर्वेशंस विद मी. राइट, आई एम टेलिंग यू द डिफरेंट वे. यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ स्पून. ध्यान से सुन लो, यू कैन टेक अ स्पून, उसमें ब्लू इंक डाल दिया आपने. राइट, उसको यू कैन हीट ऑन द कैंडल ऑल्सो. आप उसको हीट करोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व जो इंक थी वो गिर रही थी. मतलब नेचुरली इंक फ्लो करती है, इंक फ्लो करती है कि नहीं करती. धार्या, इंक फ्लो करती है, दैट मींस उसके अंदर कुछ लिक्विड प्रेजेंट है. ठीक है, व्हेन वी विल हीट इट, जब आपने उसको हीट करा, ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, स्पून में व्हाट यू विल टेक इंक, हीट इट ऑन अ कैंडल और अ बर्नर, यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम यू आर नॉट एबल टू मूव द इंक, वो फ्लो नहीं करेगी. दैट मीन्स द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द इंक दैट इज इवेपोरेट, दैट विल इवेपोरेट. जो उसके अंदर उसको फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहा था दैट इज इवेपोरेट. राइट, तो दैट मीन्स इन इवेपोरेशन द प्रिंसिपल, इसका इवेपोरेशन का प्रिंसिपल दैट इज बेस्ड ऑन like we can separate the volatile components from the non volatile components. Right, write down, I am telling you, write down bete, what is the principle of this, that is the volatile component, separate the volatile component. Volatile components hote hain jo solvent hai, volatile components are non volatile components. ठीक है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट. द प्रिंसिपल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, द प्रिंसिपल बिहाइंड इट दैट सेपरेशन ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. अब मैंने आपको एक बोला, आई एम टेलिंग यू द डिफरेंट वेज कि आप स्पून लेके उसको हीट कर सकते हो इंक को. यू कैन डू एक बॉल में या मतलब पतीले में पानी लो, उसके ऊपर प्लेट रखो और उसको बर्नर पे रखो. राइट, उस यूटेंसिल को यू कैन पुट इट ऑन द फ्लेम. राइट, उसके ऊपर प्लेट रखो, उसके बीच में थोड़ा सा पानी. राइट, व्हाट हैपन, उस प्लेट के ऊपर इंक रख दो. राइट, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द इंक विल नॉट मूव. दैट मीन्स जो वोलाटाइल कॉम्पोनेंट है सॉल्वेंट दैट इज वॉटर जो उसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज सेपरेटेड. जो कलर्ड कॉम्पोनेंट है ना उसको हम डाई भी बोलते हैं.
जो कलर्ड कंपोनेंट है दैट इज आल्सो कॉल्ड डाई, ये डाई भी होती है, ठीक है। ये एक मेथड है, हमने क्या करा, वी विल टेक अ बीकर, वी विल हीट इट, हमने इसको बीकर को कहां रखा, वायर बॉक्स पे एंड स्टैंड पे, राइट, वी विल हीट इट, राइट, हियर वी विल टेक वॉटर, हम पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चाइना डिश रख देंगे, प्लेट, राइट, इस प्लेट पे मैंने इंक डाल दी, दिस इज हैविंग अ वॉटर। अब मैं यहाँ पे इसको हीट कर रही हूँ, राइट, दिस चाइना डिश, और वी कैन से इसमें क्या प्रेजेंट है, वॉच ग्लास ले सकते हो, चाइना डिश ले सकते हो, ये बीकर हो गया। इसको जब मैंने हीट करा तो दिस चाइना डिश के अंदर मेरे पास क्या है, इंक, दिस इज इंक। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन वी विल हीट इट, जब मैंने इसको हीट करा यहाँ से वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स ऊपर जाएंगे, प्लेट को गर्म करेंगे, दीज वेपर्स भी, ठीक है। अब इसके अंदर द वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन दिस डाई और द इंक, इट विल इवेपोरेट, वो उड़ जाएगा और इंक बच जाएगी नीचे, दैट इज द कलर्ड कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, कलर्ड कंपोनेंट दैट इज नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। इज इट क्लियर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू परफॉर्म इट और नॉट, बट वी विल डू, वी विल टेक अ बीकर, या यू कैन टेक अ वन यूटेंसिल और अ पैन, ठीक है, टेक द वॉटर, फिल इट विद वॉटर, पुट इट ऑन द बर्नर, कवर इट विद द प्लेट एंड पोर द इंक ऑन इट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व जो उसके अंदर है, दैट इज प्रेजेंट द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज द नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड एंड वोलाटाइल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट दैट इज इवेपोरेट। क्लियर है मेरी बात, इज इट क्लियर। सेम एक एक्टिविटी, सेम सेपरेटिंग टेक्निक आगे भी है। ये कलर्ड कंपोनेंट डाई को मैंने सेपरेट किया ब्लू ब्लैक इंक से, उसी तरह से वन डाई इज आल्सो हैविंग नंबर ऑफ कलर्स इन इट, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। उसमें से वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को सेपरेट करने के लिए वी विल डू द इवेपोरेशन, बट वेन वी वॉन्ट टू सेपरेट द color present in the dye, then we will do the separate technique that we will discuss later on. Clear hai bache, is technique mein if anyone is having any doubt you can ask, anyone. Ma'am, isko kaun sa process kehte hain, fractional evaporation mein discuss, only evaporation, yes, volatile non volatile, that is the principle to separate the volatile component from the non volatile component, we have to use the evaporation, we have to remove the water, we can do one another, humne ink li pani liya chamach pe ink li dilute kara pani evaporate and then ink is left behind, aap kisi bhi tarah se kar sakte ho, that is the evaporation. It is used to separate the salt from, acha, one is here, we are not heating, matlab directly heat the ink, hum seedha hi ink ko kyun nahi rakhte heat kar rahe, theek hai, hum directly ink ko heat nahi karte, theek hai, kyun, kyunki wo jal jayegi, jaise maine abhi pehle bola ki if we want to heat sugar, aapne ek pan mein kali sugar li, theek hai, and you want to heat it, to wo kya ho jati hai, kali pad jati hai, because wo burn ho jati hai, ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट हीटिंग इसलिए नहीं करते, गॉट इट। नाउ राइट डाउन द सेकंड मेथड, आई विल शो यू द वीडियोस आल्सो, सेकंड मेथड दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग, this is called centrifugation or churning, ठीक है, this is called centrifugation churning. In our school, in lab we are having the centrifugation machines are there,
ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस. घर में वी यूज टू सेपरेट द मिल्क. हम मिल्क में से मतलब जब हम करते हैं हम बटर अलग करते हैं, फुल क्रीम लेते हैं. अगर आप फुल क्रीम भी आपने देखा होगा कि दूध के जितने पैकेट्स आते हैं दे हैड रिटन कि फुल क्रीम है, टोन्ड है, इतने टोन है, इतना लेस क्रीम है, इतने फैट्स है. दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क. एंड इफ वी वॉन्ट टू सेपरेट इट, वहां पे आता है ना सम ऑफ द मिल्क आर जीरो फैट्स लाइक विद फुल टोन, है ना. तो उसमें क्या है, उन्होंने सारी की सारी क्रीम जो है उसके अंदर उसको सेपरेट कर लिया. दे सेपरेट द ऑल द क्रीम. ठीक है जी. तो वो टोन्ड होते हैं हमारे पास मिल्क. हम घर में सेपरेट, वी कैन सेपरेट द बटर फ्रॉम द दैट वन. ठीक है. वी कैन सेपरेट, वी कैन सी द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इन सीविंग. जो क्लोथ्स हैं स्पिन करते हैं जब हम, तो वॉटर इज सेपरेटेड. That means the centrifugation machine or the churning technique. What does it mean and what is the principle of this? इसका principle क्या है? पहले इसका principle लिख लो. Denser particles are forced to the at the bottom and the lighter particles stay at the top. Used to separate the particles of the different densities. Used या principle to separate the different densities. Denser particle will settle down okay. Denser particle will settle down at the bottom and the lighter particles stay at the settle down at bottom and lighter particle will come on the top when we will spun. Lighter particle stay at top kar lo, stay at the top jab humne unko spin kara. So we will get this spun at a high speed, spun rapidly ya spun at a high speed. All of you are familiar with this technique. घर में हम blender use करते हैं. ठीक है. Butter को अलग करने के लिए washing machine is used. ठीक है. उसमें हम पानी को spin करते हैं तो denser particle will stay at the bottom and the lighter particle जो है वो हमारे पास अलग हो जाएगा. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है. वीडियोस में कल दिखाऊंगी आपको दोनों टेक्निक्स की. यू विल ऑब्जर्व एज आई टोल्ड यू ना. आई विल शो यू द वीडियो बाय टुमारो. एज आई टोल्ड यू द ब्लड इज हैविंग अ it is a heterogeneous but it is having the homogeneous mixture. So we can separate the RBC, WBC means like depend upon the chemicals but we are using and we will centrifugate at a very high speed. ठीक है. तो we can separate the components of the blood. ठीक है. तभी हमें पता चलता है कि इसके RBCs कम हो गए हैं. How we will came मतलब come to know like the platelets less है due to count. तो वो हमारे पास different होता है. That I will show you tomorrow. Write down the applications or the uses. Write down applications or uses. Principle आपको लिख दिया मैंने. Write down application or uses जो अभी हमने बात की है कि कहाँ कहाँ ये use होता है. Applications कहाँ कहाँ use होता है. In the labs. ठीक है. To diagnose blood and urine test. In labs to diagnose blood and urine test.
हम यूरिन में भी जब हमारे को इन्फेक्शन होती है ठीक है तब हम करते हैं डायग्नोज. ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. अदर यूज, सेकेंड यूज इसका क्या होगा? यूज इन द डेरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. आपने देखा है घर में भी कई दूध ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मलाई बहुत पतली सी जमती है, और कई होते हैं कि आफ्टर बॉइलिंग ठीक है तो उसके ऊपर बहुत थिक लेयर ऑफ जो होती है मलाई आती है. दैट इज अगेन टोंड मिल्क. मतलब उसके अंदर कितने क्रीम है डिपेंड अपॉन दैट. अगर हम क्रीम वाला ले रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज हैविंग द मोर, तो वी कैन सेपरेट द मोर बटर फ्रॉम दैट वन. थर्ड यू कैन सी यूज इन द वॉशिंग मशीन ठीक है टू स्क्वीज आउट वॉटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स. used in washing machine to squeeze out water from clothes. ठीक है.